जानना चाह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसे क्या नाम देते हैं? हम कटायन का नाम देते हैं, हिंदी में बोलते हैं धनायन का नाम देते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं हम अनायन। और अनायन के ऊपर कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज, हिंदी में बोल जाता है ऋणायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज ध्यान से देखो कि जैसे ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इधर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, या चार्ज के रूप में कौन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इधर जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो कितना चार्ज होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि ये जो टोटल चार्ज क्यू ट्रांसफर होगा ये प्लस माइनस एन ई। ई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जैसे ई की कोई भी वैल्यू है उसके एन टाइम्स होगा, और एन क्या है? कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी एक संख्या है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और ये जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है ई, इसकी वैल्यू क्या रहती है? ये इसकी वैल्यू रहती है। अब इसी वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आपने ली है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आपने ली है तो इतना ही हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और यहीं से एक अच्छा सा सवाल बनता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन बाय किसने दिया है, गिवन बाय विच साइंटिस्ट? तो आंसर होगा मिलिकन ने दिया है। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एम जी। यहां पे मास और यहां पे चार्ज। अब यहां इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि ये, और मास ऑन इलेक्ट्रॉन ये। जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स आप निकाल सकते हो। इस तरीके से ये वैल्यू आती है अपने पास। अब हमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बारे में, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी यहां से कहां पहुंच गया है? यहां पहुंच गया है। और कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 × 10⁻³¹ केजी। इतना मास यहां से उठा और यहां पहुंच गया, इसका मतलब इसका मास क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इसका मास होगा डिक्रीज। और यहां अगर हम बात करें जिसके साथ इलेक्ट्रॉन अटैच हो रहा है, वो हम क्या होगा? मास इंक्रीज होगा, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी कि यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मास ऑफ कटायन, अब इससे ज्यादा क्या रहेगा? मास ऑफ एटम, और इससे ज्यादा क्या रहेगा? मास ऑफ एनायन। ये कंडीशन चलेगी यहां पे, यानी कि जिसपे नेगेटिव चार्ज है वहां सबसे ज्यादा द्रव्यमान रहेगा, और जिसपे पॉजिटिव है वहां सबसे कम, और न्यूट्रल है वो इन दोनों के बीच रहेगा। ये चीजें यहां से हमें पता चल रही। तो ये जो टर्म अपने पास आई थी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसे बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटीकरण।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब हम यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अपने पास क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटिकन q यानी कि टोटल चार्ज बराबर है n टाइम्स ऑफ प्लस माइनस आगे रखें बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसके बराबर है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का ही हम या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन का ही इसके बराबर। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, इफ 1 कूलम चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। कैसे निकालें, अब टोटल चार्ज q की वैल्यू क्या दे रखी है, q इज इक्वल टू 1 कूलम, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और e की वैल्यू किसके बराबर है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके बराबर। अब यहां से देखो q इज इक्वल टू प्लस माइनस n, से क्या आएगा अपने पास 1 इज इक्वल टू n इंटू e किसके बराबर है। अब यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 6.25 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऑब्जेक्ट A से ऑब्जेक्ट B के ऊपर, यहां मैं ऑब्जेक्ट A ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट B के ऊपर अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कितना 1 कूलम, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए इस तरीके से। सर कल को एग्जामिनर क्या दे देगा कि यहां पे 1 कूलम की बजाय 10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुए, इसको 10 से गुना कर दो। यहां से एग्जामिनर दे देगा कि 100 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से दे देगा एग्जामिनर की माइन ये अपने पास 10 माइक्रो कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है, 10 माइक्रो कूलम, तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रो का मतलब रहता है 10 की पावर -6, 10 माइक्रो का मतलब कितना 10 की पावर -5 इतने कूलम। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहे कितना भी चार्ज ट्रांसफर आपको दे रखा हो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जितने कूलम है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे किसी भी तरीके का बेसिक न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अभी इलेक्ट्रिक चार्ज अपना कंटिन्यू है, इलेक्ट्रिक चार्ज से एक बेसिक यूनिट आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लेस्ड एट ए डेफिनेट या फिर फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रहता है।
जैसे मैं मान के चलो ये प्लस क्यू है और ये मैं मान के चलो माइनस क्यू है, दोनों किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर रखे गए हैं, तो यहां से बनती है एक टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा अपने पास, इसे P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू चार्ज Q, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है बराबर हैं, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस x। अब एग्जाम में आ जाती है इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट, तो चार्ज की क्या है कूलम और डिस्टेंस की क्या है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी कूलम मीटर, कूलम मीटर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है अपने पास, फोर्स बिटवीन चार्जेज डिवाइडेड बाय चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स ये इनके बीच लगने वाला जो कूलॉम फोर्स था एफ किसके बराबर है कि क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब ये इसके बराबर है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां से एक टर्म और हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, आगे आ जाता अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये विद्युत विभव है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू चार्ज, सॉरी एक सेकंड, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये होता है इनफाइनाइट से किसी चार्ज को द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पोजिशन, इनफाइनाइट से किसी एक पोजिशन पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहां से क्या यूनिट बनेगी अपने पास, वर्क की यूनिट क्या रहती है जूल, और ये पर कूलम, जूल पर कूलम, ये चीज अपने पास। ये अकेले इलेक्ट्रिक चार्ज से जो बनने वाले रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9×10⁻¹, और ये के इधर आएगा तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस टू, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। के किसके बराबर होता है, तो के बराबर होता है अपने पास 1/4πε₀ आर स्क्वायर, इधर क्या रहेगा क्यू वन और इधर क्या रहेगा क्यू टू। अब ये जो चार्ज है अपने पास, ये देखो ये वाला जो पार्ट था ये अपना क्या है सिर्फ के है, इसको मैं हटा देता हूं, ये एफ बन गया पूरा, ये सिर्फ के है, तो ये है अपने पास 1/4πε₀, ε₀ की वैल्यू क्या रहती है और यूनिट क्या रहती है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रहती है 8.85×10⁻¹². अब ये इसका के का इनवर्स यूनिट रहेगा, यानी कि न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस टू कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट रहेगी। तो ये बेसिक चीजें यहां से जाने, अब इसी का एक थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा के आगे के टॉपिक में करने वाले हैं। एक बार ये सारी चीजें बेसिक समझ लीजिए, दोबारा भी आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी।
सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से अब यहां से देखूं 4 पॉइंट चार्ज अब पॉइंट चार्ज में अपने पास क्या आ सकता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड रहेगा ऐसे आउटवर्ड इस तरीके से और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या रहेगा अपने पास इनवर्ड इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज तो पॉइंट चार्ज के लिए जो सिमेट्री बनेगी अपने पास पॉइंट चार्ज के लिए जो सिमेट्री बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये देखो सभी डायरेक्शंस में बराबर बराबर इफेक्ट। जैसे ये चार्ज है यहां से इतनी दूर इधर देखो आप चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो चाहे मेरी तरफ चाहे इतना ही ऊपर और चाहे इतना ही नीचे हर डायरेक्शन में इसका इफेक्ट बराबर रहेगा। अब हर डायरेक्शन में इफेक्ट बराबर इट मीन्स ये सिमेट्री कैसी है स्फेरिकल सिमेट्री है स्फेरिकल सिमेट्री है। पॉइंट चार्ज इसके लिए भी क्या रहेगा सेम रहेगा इसके लिए भी सिमेट्री कैसे रहेगी स्फेरिकल सिमेट्री ये पॉइंट चार्ज के लिए है। और फॉर डाइपोल एक चार्ज ये और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज ये हमेशा चार्ज से परपेंडिकुलर रहती है। इस तरीके से तो यहां जो सिमेट्री बनेगी ये इसी डायरेक्शन में इस तरीके से भी इस तरीके से भी इस तरीके से भी तो यहां जो पूरी सिमेट्री बनेगी वो सिमेट्री बनेगी कुछ इस तरीके से। और ये सिमेट्री आपको कैसे नजर आ रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये बनती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड की सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सिमेट्री और डाइपोल के लिए अपने पास बनती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एरिया से गुजरती है इस तरीके से तो यहां एक टर्म आती है अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है अपने पास इसे हम डिनोट करते हैं फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है अपने पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग एन एरिया नॉर्मल। इस क्षेत्रफल से ये जो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ये हमें क्या बताएंगी नंबर ये जो फील्ड लाइंस है ये हमें क्या देंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई क्या रहता है होल एरिया ई डॉट डीएस और ये एस किसे डिनोट करता है एरिया को डिनोट करता है। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या बन जाएगी और एक और चीज डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट जहां भी होगा वो कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटू एरिया के लिए यूनिट क्या बनता है, इसके लिए तो क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बनता है न्यूटन पर कूलम, तो इसका होल यूनिट करोगे तो क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसके लिए यूनिट बन जाएगा अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूनिट है। दूसरा यहां से एक चीज और देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी किसके बराबर था वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क को क्या लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू आर ले लीजिए एक्स ले लीजिए डिवाइडेड बाय चार्ज, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये क्या है अपने पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट अपने पास। अब ये इधर लाके अगर हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी यूनिट, तो एक यूनिट तो इसकी रहती है अपने पास जूल पर कूलम, और दूसरी यूनिट रहती है वी की वोल्ट, पोटेंशियल की क्या रहती है वोल्ट। अब ये जो वोल्ट यूनिट है यहां से तो यूनिट क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको यूनिट चेंज करके देगा तो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अपने पास है वोल्ट पर मीटर, और यहां पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा वोल्ट मीटर, ये यूनिट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक यूनिट अपने पास क्या आ गई वोल्ट मीटर, और ये क्या रहती है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कंसेप्ट देखा हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखा हमने, उसके बाद यहां से एक बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक बेसिक क्वेश्चन क्या बन जाता है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो यहां से आपको देखना है कि फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव होगी, इसका मतलब ई ए ग्रेटर देन ई बी और ये ग्रेटर देन ई सी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने काटा तो यहां पे एक डायरेक्शन और यहां पे दूसरी डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी भी संभव नहीं है। उसके बाद हमने यहां से क्या चीज जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, हमेशा सरफेस के चार्ज के परपेंडिकुलर रहती है, ये चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान चुके हैं, इसकी यूनिट जान चुके हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये जान चुके हैं। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, हम जानते हैं कि अगर एक जैसे चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन ये बेसिक है सब जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अगर होगा एट रेस्ट तो इसमें लगने वाला जो फोर्स रहता है वो रहता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो ये लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगता है क्या वो वी क्रॉस बी, ये बी यहां पे क्या शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और वी क्या इसकी वेलोसिटी को शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ चार्ज आप बोल सकते हो। अब यहां से एक चीज देखो,
अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इसका मतलब ये सारा पार्ट क्या हो गया है? इसका मतलब है कि जब ये रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट रहेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है उसे नाम दिया जाता है लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना रहता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो यहां से हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट रहेगा। यहां से क्या जनरेट करेगा? ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, या दोनों का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और दोनों के कारण जो फोर्स लगेगा इस पे, लोरेंज फोर्स, वो बराबर हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू V क्रॉस B। और यहां से एक चीज ध्यान रखें कि चार्ज के ऊपर, चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या रहता है? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज इज परपेंडिकुलर टू V क्रॉस B क्रॉस, इन दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। ये आप ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ अगर ये नॉन यूनिफॉर्म में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, या इसे एक समान गति में, ये एक्सेलरेटेड मोशन आप बोल सकते हो, अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो आपको क्या दिखाई देगा? यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, साथ साथ रेडिएट एनर्जी, यहां से एनर्जी भी बाहर निकल रहा है। और ये एनर्जी किसके फॉर्मेट में निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकल रही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट यहां से हम देखते हैं फोर्स बिटवीन चार्जेज, कौन सा फोर्स? कूलम्स फोर्स। कैसे डिनोट करते हैं? एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसे किस तरीके से लिखते हैं? एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये है वैक्यूम के लिए, ये है वैक्यूम के लिए। अब यही चीज अगर हम किसी मीडियम के लिए देखें, वाटर के लिए, के की वैल्यू आपको कई बुक में 80 मिल जाएगी और कई बुक में 81। ये के वो के नहीं है जिसके बारे में आप देख रहे हो, ये के डैश है। और मेटल के लिए यहां से हम देखें के डैश की वैल्यू रहती है इनफाइनाइट, के की वैल्यू रहती है इनफाइनाइट। तो यहां से देखो अपने पास क्या आएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, रियल में फॉर्मूला ये रहता है के डैश क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। वैक्यूम के लिए ये वैल्यू रहती है वन,
अब यहां तो वन को लिखो चाहे मत लिखो बराबरी बात है, लेकिन अगर यहां की बात करें हम, अब अगर अपने पास फोर्स इन वैक्यूम एफ है, फोर्स इन वैक्यूम रेशियो, यहां से देखो फोर्स इन वैक्यूम रेशियो फोर्स इन वाटर क्या आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा फोर्स इन वैक्यूम, अगर फोर्स एफ है तो यहां तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, के की जगह 81 पुट करोगे नीचे वैल्यू बढ़ रहती है, वैल्यू घट जाएगी, तो 1/81 एफ ये यानी कि फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू 81 टाइम्स इन फोर्स इन वाटर, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी। इस तरीके से अगर किसी भी मीडियम के लिए के डैश की वैल्यू दे रखी हो तो आप आसानी से उसके लिए आंसर निकाल सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी। मेटल के लिए वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होने का मतलब फोर्स जो चार्ज के आपस में जो फोर्स रहता है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। नेक्स्ट अपने पास एक टर्म आती है चार्ज मास रेशियो, चार्ज मास रेशियो। अब देखो यहां से चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 यूनिट, चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ये 4 यूनिट कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 यूनिट कैसा, नेगेटिव चार्ज है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना, 1 यूनिट, जो बेसिक यूनिट की वैल्यू 1.6, एक यूनिट किसके बराबर है, 1.6 10^-19 कूलम इसके बराबर है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज रहेगा कितना रहेगा अपने पास, 1 यूनिट पॉजिटिव। इसी तरीके से जो चार्ज रहेगा अपने पास, सॉरी क्यू से डिनोट करेंगे, यहां चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन कितना रहेगा अपने पास, चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन अपने पास 1 यूनिट रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट चार्ज रहेगा, लेकिन कैसा, नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज ऑन अल्फा हो गया, बीटा हो गया, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये कितना, ये न्यूट्रल रहता है, कितना हम मान के चलते हैं, जीरो। अब इसके बाद इन सब के मास की बात की जाएगी, और चार्ज मास रेशियो अगर मैं देखूं जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1.6 10^-19, इसके आगे पीछे वाले निशान पे मत जाइए, डिवाइडेड बाय 9.1 10^-31 ये रेशियो। प्रोटॉन के लिए 1.6 10^-19 1.672 इंटू 10^27 -27 ये वैल्यू। उसके बाद आप चले जाइए किसके पास, न्यूट्रॉन के पास, तो न्यूट्रॉन पे वैल्यू ऊपर क्या रहेगी, जीरो, 1.676 10^-27 केजी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी अपने पास। उसके बाद आपको क्या देखना है, चार्ज ये अपने पास अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मास ऑफ हीलियम के बराबर और 4 यूनिट ये ले लेना अपने पास। अल्फा पार्टिकल के ऊपर मास हीलियम के बराबर, बीटा पार्टिकल पे मास कितना, लगभग आप इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मान के चलेंगे। वही पॉजिट्रॉन के लिए चार्ज मास रेशियो किसके बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा। तो इस तरीके से चार्ज मास रेशियो का सिक्वेंस आपसे पूछ सकता है, जैसे यहां पे न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू जीरो आ रही है,
इसके लिए जब ऊपर जाएगा तो 10 रेस टू पावर कितना बचा अपने पास, लगभग बचा अपने पास 8, और ये जाएगा तो कितना बचेगा, लगभग 12। तो यहां से हम देखते हैं कि चार्ज मास E by M रेशियो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो मिनिमम किसके लिए आएगा, न्यूट्रॉन के लिए, और मैक्सिमम किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर इन तीनों की बात करते हैं, इसके अलावा कोई भी बात करें तो आप सीधा यहां चार्ज बाय रेशियो निकाल दें, क्यू बाय एम निकाल दें, और चार्ज बाय रेशियो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास, कूलम पर केजी। तो इस तरीके से आप ये चीज देख सकते हो, इजिली आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतने, आगे हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फोर्स ऑन एन एटम।